हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी जनरल नॉलेज के सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे जो 5 साल में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। ऑप्शन आपके पास, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था, 2000 से 2001 के बीच में। फिर आपसे पूछा कि कंट्रोल वी का प्रयोग क्या है, पोस्ट करना, पेस्ट करना, हटाना या अलग करना। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है, यानी मौलिक अधिकार किसमें दिए गए हैं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है वो है परम 8000। फिर आपसे पूछा है कि लिनक्स क्या है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कि लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है, 2020 के क्वेश्चन के बिहार पे। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कम्पोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। 2020 की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के बिहार पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रीतम चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इग्नो के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इग्नो के डिजिटल कोर्स का नाम है ई ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नाम महिला क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ आपका झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज, ये तीनों ही क्रिकेट से रिलेटेड है, लेकिन दीपिका कुमारी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से रिलेटेड है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो डोगरी भाषा है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कि अफ्रीकी भाषा का जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है वो दक्षिणी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है। तो 2020 के क्वेश्चन के बिहार पे यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋषिकेश सेनापति। फिर आपसे पूछ रहा है कि इडोसैट लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया था। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सितंबर 2004 में। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ अगर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुन्नार मिल्डार इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एगमार्क का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कि खाद्य पदार्थों का प्रमाणक चिन्ह, यही अर्थ होता है एगमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात राज्य ऐसा है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। फिर कह रहा है कि पांडिचेरी एक क्या थी, मतलब किस टाइप की कॉलोनी थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांडिचेरी एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 1907 ईस्वी में सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन हुआ था। फिर कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब ट्रांसफर की गई, वर्ष 1912, 1914, 1913 या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुलदीप सिंह को ग्रीन न्यायाधीश, जो कुलदीप सिंह न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हें ग्रीन जज कहा गया है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। फिर आपसे कह रहा है कि माई कंट्री माई लेखक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है लालकृष्ण आडवाणी, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी, तो यहाँ आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंचन चौधरी एस भारत की पहली महिला थी जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी, तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके बाद कह रहा है कि भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है, तो जहाँ यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। इस क्वेश्चन में कह रहा है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी हेनरी ड्यूरेंट ने। फिर कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ओजोन परत संरक्षण से। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सीस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीरा कुमार। फिर कह रहा है कि टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है, तो यहाँ आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समादत हसन मिंटो टोबा टेक सिंह के लेखक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गुमास्ता एक प्रतिनिधि था जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी, यानी जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ ली थी तो कब ली थी, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 मई 2014 को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किसके समर्थन में था, किसानों के समर्थन में था, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी है, वर्ष 2025। फिर आपसे कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत यानी लीवर, भारत की शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या है, नया नाम जो रखा गया है वो कौन सा नाम रखा गया है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नया नाम है वो है अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पोंगल या संक्रांति के नाम से जानी जाती है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था, तो 2020 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अप्सरा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा का सोर्स क्या है, तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सभी छतों घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस अभी तक हमने 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है, अब हम 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, वो भी जीएस के 50 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो कह रहा है कि मातृ देवी की जो पूजा है वो किस सभ्यता से रिलेटेड थी, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मातृ देवी की जो पूजा थी वो किससे रिलेटेड थी, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायी के द्वारा निर्मित किया गया था, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, जैनियों द्वारा।
फिर कह रहा है कि गीत गोविंद किसकी कृति है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 ईस्वी में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख गुरु थे, तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ आपका जो ऑप्शन रही और राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अकाल तख्त का निर्माण करता थे वो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। फिर कह रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने, जो कि एक पुर्तगाली था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी खोली गई थी वो सूरत में खोली गई थी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से रिलेटेड रहे, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से रिलेटेड था उससे जुड़ा स्थल कौन सा था, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चंपारण, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा की शुरुआत जो महात्मा गांधी ने की थी वो साबरमती आश्रम से की थी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, जिसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। फिर आपसे कह रहा है कि टुंड्रा क्या है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टुंड्रा क्या है, एक सीर मरुस्थल है। फिर आपसे कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो लद्दाख का पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। फिर कह रहा है कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है, यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, पोकड़ तट के नाम से। फिर आपसे कह रहा है कि वो प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहेंगे, ह्यूमन कोड, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सहकारी कृषि है वो भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से रिलेटेड नहीं है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो तूतीकोरिन है वो पश्चिमी तट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि दिल्लियों में सर्दियों के समय वर्षा क्यों होती है, कारण क्या है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दिल्लियों में सर्दियों के समय वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है घरेलू खपत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल आय को और किस नाम से हम जानते हैं, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, NNP, साधन लागत पर। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, NNP, साधन लागत पर। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ जो ई ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो बिक्री कर है वो भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक इम्पोर्टेंट सोर्स है, तो बी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2022 में। फिर पूछ रहा है कि इसमें से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेक, क्या है वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, से पूछा है कि संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को। फिर आपसे पूछा है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख सोर्स क्या है, भारत की जनता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे कि शिक्षा शब्द किससे रिलेटेड है, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षा शब्द जो है वो आपकी समवर्ती सूची से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति ये है कि इसे वैधानिक अधिकार में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति पुंजों से तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1945 में भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी टीचिंग के लिए दिया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर आपसे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पैन ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद माउंट गोमरी द्वारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया, यानी स्थान का नाम पूछा गया है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि संघाई कॉपरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष, खगोली इकाई, पार्श्विक या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पार्श्विक। फिर आपसे कह रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि DTP का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो दवा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कि जो मस्तिष्क है वो मेरुरज्ज के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है, तो ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था, तो जो चीनी यात्री फायान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लिया है, अब हम 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, यहाँ आप राइट ऑप्शन बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। जापान को क्या कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब, विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, तो यहाँ 5 अक्टूबर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी सूर्य ग्रहण की जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। फिर आपसे कह रहा है कि NCTI क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म कौन सा है, तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, यानी जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे आपके, यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 24, और लास्ट कौन थे, महावीर स्वामी देशवेर ऋषभनाथ थे, पहले जो थे वो पार्श्वनाथ थे, तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर पारिस्थितिकरण के बाद परिवर्तित होता है किसमें,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाएगा, तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जब यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। यदि अगर कोई बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल है तो वो एक शेड्यूल बैंक कहलाता है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सदस्य, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कथा साहित्य, जिसे इंग्लिश में फिक्शन राइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है किसे, प्रेश को संदर्भित करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन, और इलाहाबाद आग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त के उसमें समुद्रगुप्त का ही वर्णन किया गया है, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं पूछ रहा है कि शोभना गुरटू प्रवर्तक है किसके, ठुमरी के, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध एवं शुक्र को। फिर आपसे कह रहा है कि रेटिनॉल का सामान्य नाम कौन सा है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए को रेटिनॉल, यानी रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है, विटामिन ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पाक जल डबरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है, यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोंगल त्योहार है किस देश किस राज्य का, तमिलनाडु का पोंगल, तमिलनाडु का फेमस त्योहार है। फिर आपसे कह रहा है कि 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना, तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्ष 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। फिर आपसे कह रहा है कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान की संसद का नाम है डायट। फिर आपसे पूछा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ओमान की राजधानी है वो है मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहू कहाँ का मुख्य त्योहार है, तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बिहू है वो असम का मुख्य त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अनुच्छेद 51A है उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है, तो यहाँ राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2016 से 2030 ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैलाश सत्यार्थी जो थे वो किससे रिलेटेड थे, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेश प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले श्री रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा कौन सा था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेलू ने। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित हुए थे, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है किसे, ऋग्वेद को, ऋग्वेद को क्या माना जाता है, भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, कनाडा के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा नहीं गया है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्म्स एंड द मैन विलियम शेक्सपियर का नाटक नहीं है। इसके अलावा जूलियस सीजर, हैमलेट, एज यू लाइक इट, ये सब विलियम शेक्सपियर के नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सही सुमेलित करना है, बीमारी इधर इधर रीजन दिखे लिया हुआ लिखा हुआ है, आपको सही से क्या करना है, मैच करना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, और ये आपके सही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिंगवर्म फंजाई से फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोवा से फैलता है, जो कालरा है वो बैक्टीरिया से फैलता है, और एनीमिया लौह की कमी से फैलता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है, सॉरी 3, 1, 2, 4, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 3, 1, 2, 4 सही करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन राज्य हड़प नीति से रिलेटेड है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी क्या थे, राज्य हड़प नीति से रिलेटेड थे। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, लेकिन प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित थी, तो सी अमलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी पद्मावत, उसी पे ये मूवी बनी थी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कपिल को, पतंजलि को योग दर्शन का, गौतम को न्याय दर्शन का। प्रॉपर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन देखते हैं। कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि मदर पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की ने, मदर पुस्तक मैक्सिम गोर्की द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लागू हुआ था भारत में, वो कब से लागू हुआ था, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे देश में लागू हुई थी, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 2018 का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया, अब हम 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया है कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी वो कहाँ से की थी, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भूला भाई देसाई, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है, लाहौर अधिवेशन 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे फहराया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से रिलेटेड थी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध संत के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनियों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही है, गीत गोविंद के जो लेखक है वो है आपके जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वो कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, शुक्र, जिसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सही हो जाएगा, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, माजुली है, किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि असम में स्थित है।
आपसे कह रहा है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोबर तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या सही युग्म का अध्ययन करना है कि कौन सा सही युग्म है, तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चंबल कह रहा है कि नर्मदा की सहायक नदी है, गलत है, ये सही नहीं है। सोन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी भी नहीं है, लेकिन मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इस वजह से यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है, जो सहकारी कृषि है वो भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर पूछा है कि संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ, ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को क्या पूर्णता बनकर तैयार हो गया था। फिर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, क्या है मौलिक अधिकार आपके, मूल संविधान के एक भाग के रूप में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ये शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या ये बात योग्य नहीं होंगे, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 37 के द्वारा ये शर्त लगाई गई थी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि भारत का जो संविधान है जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। फिर आपसे कह रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन से हो जाएंगे, कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, गौतम न्याय दर्शन के हैं, यहाँ आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है घरेलू खपत, यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि किस वस्तु की मांग जो है वो लोचदार है, तो राइट ऑप्शन बताइए, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो चावल है उसकी मांग क्या है, लोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया नियंत्रित निम्नलिखित में से किसके उपकरण है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार मौद्रिक नीति से रिलेटेड है, इसके मौद्रिक नीति के उपकरण है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि इनमें से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, तो यहाँ आपका सी सही हो जाएगा कि जो चेक है वो वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति से। इसमें पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से क्या थी, कम थी। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है, राइट ऑप्शन कौन सा है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि तरलता अधिमान क्या होता है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बैंक जमा रखने की इच्छा क्या है, तरलता अधिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है, यानी कौन सी कंपनी ने किया है, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी डेक ने। डीटीपी का फुल फॉर्म बताइए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, शक्ति पूंजी से तटस्थता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, वर्ष 1945 में, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, 21 सितंबर को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था,
राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि संयुक्ता पाणिग्रही जो थी उनका संबंध था ओडिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बोला चौधरी। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है, बास्केटबॉल से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सैयद माउंट गोमरी द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है, ये एक अनुवांशिक रोग है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि बेरी बेरी रोग जो होता है वो भोजन में किस विटामिन के करीब किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो विटामिन B1। फिर आपसे कह रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पाइरिडॉक्सिन, बी ऑप्शन करेक्ट। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है, हीमोफीलिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड का, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी, यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जिंडर एवं लेडरबग ने। तो इस तरह हमने 2017 का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया। अब हम 2016 की तरफ चलते हैं, 2016 के जीएस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसे पूछ रहा है कि किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का। फिर आपसे कह रहा है कि भगत सिंह किसके नेता थे, यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। महाभास के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो कौन था, डिजरेली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की वे कौन थे, बीजापुर एवं गोलकुंडा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयले में निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि व्हाइट पर्वत जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वरुड़ा प्रजाति है किसकी, यानी किस फसल की वरुड़ा प्रजाति है, तो यहाँ आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, वरुड़ा प्रजाति जो है वो क्या है, सरसों की प्रजाति है। फिर आपसे पूछ रहा है कि किसे आप कायांत्रिक चट्टानों से संबंध करेंगे, तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गार्नेट। फिर आपसे पूछा है कि कंधार स्थित है, कहाँ स्थित है कंधार आपका, दक्षिण अफगानिस्तान में, ये ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का वो कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ब्यूनस आयर्स। बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय, लंदन में, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को जो महिला दिवस मनाया जाता है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है, यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू की स्मृति में। फिर आपसे पूछा कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगी, जो विनोबा भावे थे वो पहले भारतीय ऐसे थे जो जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार जीता था, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को। मोहिनीपट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ का, केरल का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि वो कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है, यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है, यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, 552। लोकसभा में अधिकतम सीट 552 निर्धारित की गई है। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिहार में, बी ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 11। वर्तमान भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है कि तारों के रंग सूचक होते हैं किसके,
ताप के यानी तारों के रंगों से हम पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं यानी जो एक तत्व के समस्थानिक होते हैं उनमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घास के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड, घास के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, ए ऑप्शन सीधा होता है। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, क्या बताई जाती है, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा वाहक काले बादल दिखते हैं क्यों, क्योंकि वे, यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबंधित करते हैं, इसलिए वर्षा वाहक जो बादल होते हैं वो काले दिखते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते हैं, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, कम संबद्ध हिस्से से। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है, लोहरा नंदगढ़ का, यानी लोहरा जो है स्तंभ जो नंदनगढ़ में है वो सबसे सुरक्षित स्तंभ है, अशोक द्वारा स्थापित किया गया, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, खड़ी बोली के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कल्हण की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, यानी कल्हण की जो कल्हण द्वारा राज तरंगिणी थी, रचना थी राज तरंगिणी कल्हण की, उसे आगे किसने बढ़ाया था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, जोन राज एवं श्रीतर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, यानी इनमें से कौन सा सागर ऐसा है जिसमें सबसे अधिक लवणता है, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मृत सागर। कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा क्या है, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही सुमेलित करना है आपको कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, नागर बांध सतलज नदी पर है, नहीं सॉरी कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये फाइंड आउट करना है। नागल बांध सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी सही है। लेकिन नागार्जुन सागर गोदावरी पे है, ये सही नहीं, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन के बिहार पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बृहस्पति, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, यानी बाकू जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ आपका पेट्रोलियम सही हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था, यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मैक्सिकन गेहूं। नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडिश अकादमी द्वारा, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि डॉक्टर अमर सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया जाता है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डायनासोर से का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोंटाना को। अंधा युग के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया जाता है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, भाग पांच में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, छह वर्षों का, यानी राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो छह वर्षों का होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पिछले 5 साल के 16, 17, 18, 19, 20 5 साल के जीएस के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।